हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल जिसका नाम है होम ब्यूटी पार्लर। कैसे आप अपनी चमक को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने स्किन को बढ़ाकर, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल होम ब्यूटी पार्लर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अपनी ब्यूटी को और भी ज़्यादा ग्लोइंग करने के लिए एक बनानी है वाइटनिंग क्रीम, और उस वाइटनिंग क्रीम में हम लेंगे खीरे के थोड़े से टुकड़े और उसमें ऐड करेंगे हम एलोवेरा जेल को। हम इन दोनों का ग्राइंडर में एक पेस्ट बना लेंगे। हम इस विधि को खीरे की मदद से और उसके साथ एलोवेरा जेल की हेल्प से इसलिए पूरा कर रहे हैं क्योंकि कुकुम्बर के अंदर स्किन वाइटनिंग एजेंट होते हैं। यह हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। एलोवेरा जेल हमारे एज स्पॉट्स को हटाता है, हमारे स्किन मार्क्स को हटाता है, हमारे स्किन के डिसकलरेशन को हटाता है और पिंपल्स को भी हटाने में मददगार होता है। तो जब आप कुकुम्बर का और एलोवेरा जेल का एक पेस्ट बना लें तो उस पेस्ट को आप एक बाउल में निकाल दीजिए, और उस बाउल में इस पेस्ट को लेने के बाद आपको इसमें दो चीज़ें और मिक्स करनी है, जो कि है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध और विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल आपको कोई भी नियर बाय मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, और विटामिन ई कैप्सूल में आपको एक कैप्सूल लेके उसको पंचर करके उसका ऑयल निकालना है। आप चाहे तो विटामिन ई ऑयल भी ले सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट को लेना है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं और उस लिंक पे क्लिक करके आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो इन सब का एक कम्बाइंड मिक्सचर बना के आपको अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, और वॉश करने के बाद आप कॉटन बॉल की हेल्प से इस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसे 20 मिनट तक रहने दें, और 20 मिनट बाद आप इसे 5 मिनट के लिए धीरे धीरे मसाज कर लें। मसाज करने के बाद आप अपने चेहरे को धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा निखार और एक चमक आ चुकी है, और वो चमक आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया है। गाइज, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और भी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।